जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह सबका सेवक बने, और जो तुम में प्रधान बनना चाहता है सबका दास बने। आत्मदर्शन टीवी के समस्त श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय सु। आज मिशन रविवार है। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस रचित सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 10 पद संख्याएं 35 से 45 तक। आज के सुसमाचार पाठ में हम एक दिलचस्प घटना का वर्णन पढ़ते हैं। जबदी के पुत्र प्रभु येसु के दो शिष्य याकूब और योहन प्रभु के सामने आकर एक विशेष निवेदन करते हैं। निवेदन यह है कि जब प्रभु अपना नया राज्य स्थापित करेंगे, उस राज्य में उन्हें एक को उनके बाएं और दूसरे को उनके दाएं बैठने देने का अधिकार चाहिए। उनकी यह प्रार्थना सुनकर बाकी 10 शिष्य नीरस हो जाते हैं। शायद प्रभु येसु स्वयं अपने शिष्यों की इस मनोवृत्ति पर नीरस हो गए होंगे, क्योंकि प्रभु ने काफी शिक्षाएं दी थी उन्हें विनम्रता के बारे में। वास्तविक शिष्यत्व का अर्थ क्या है, एक सच्चे शिष्य के लिए कितनी विनम्रता की आवश्यकता है, इन बातों पर प्रभु ने उन्हें काफी कुछ समझाया था। बावजूद इसके जब प्रभु के सार्वजनिक कार्यकाल समाप्ति की ओर जा रहा है, अब उनके साथ कुछ ही समय बचा है, उस वक्त भी वे शिष्यगण उनके नए राज्य में अच्छे अच्छे पद, बड़े बड़े पद में आसीन होने के सपना देख रहे हैं। तो प्रभु उन्हें फिर से समझाने लगते हैं। प्रभु कहते हैं, देखो जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो सबका दास बने। बड़े अचंभित करने वाली बात प्रभु कहते हैं, अपने आप को छोटा बनाते हुए बड़ा साबित करना, अपने आप को एक दास बनाते हुए प्रधान साबित करना। देखा जाए तो प्रभु ने स्वयं वही किया। उनका मनुष्य अवतार ही उनकी विनम्रता का सबसे बड़ा प्रमाण था, हम जानते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में पढ़ते हैं, यद्यपि उनको ईश्वर की बराबरी करने का अधिकार था, फिर भी वो दास का रूप धारण कर मनुष्य बने, इतने विनम्र बने कि वो क्रूस के मरण तक विनम्र बने। यह प्रभु का नमूना है विनम्रता का। तो प्रभु येसु ने अपने आप को इस कदर छोटा बनाकर, विनम्र बनाकर अपने आप को बड़ा बना दिया। वही उनके अनुयायियों से प्रभु आग्रह करते हैं। वास्तव में संत पापा अपने आप को द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ गॉड कहते हैं, प्रभु के सेवकों के सेवक, अपने आप को यही उपाधि देते हैं। और हर ख्रीस्तीय अनुयायी को अपने आप को विनम्र बनाना है, अपने आप को छोटा बनाना है, इसी
तरीके से ही उसे अपने आप को महान या प्रधान या बड़ा स्थापित करना है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे प्यारे प्रभु से सीख लें। उन्होंने जो नमूना हमारे सामने पेश किया है, उनकी शिक्षाओं के द्वारा, उनके व्यक्तिगत उदाहरण से द्वारा अपने आप को विनम्र बनाने का, हम भी स्वयं अपने आप को विनम्र बनाएं, अपने आप को छोटा बनाएं और प्रभु के सच्चे शिष्य, प्रभु के सच्चे अनुयायी साबित करें। आमीन।